नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, साथ ही साथ कंप्यूटर असिस्टेंट का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आपको इन तीनों पोस्ट का फॉर्म भरना है तो कंप्यूटर असिस्टेंट का अलग भरना पड़ेगा, आर ओ आर ओ आप एक साथ भर सकते हैं। तो वीडियो में भी मैं आपको पूरा फॉर्म भर के दिखाने वाला हूँ, ये भी बताऊँगा कि आपको पेमेंट कैसे करना है, क्या क्या चीज़ मांगी है, फोटो वगैरह रिसाइज करने में दिक्कत आएगी तो वो भी बताएंगे। और साथ ही साथ बता दें, इस बार जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हो रहा है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए द्वारा आयोजित हो रहा है। तो सबसे पहले आपको बता दें, ये फॉर्म आपको कहां पर मिलेगा। तो दोस्तों फॉर्म आपको मिलेगा rozgarrizult.com पर, एक ट्रस्टेबल पुरानी वेबसाइट rozgarrizult.com, आपको टॉप ऑनलाइन फॉर्म सेक्शन पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दोनों फॉर्म मिल जाएंगे। मैं आपको एक वेबसाइट और बता देता हूँ, फिर हम सीधा चलेंगे फॉर्म भरने पर। दोस्तों जिस दूसरी वेबसाइट का मैं नाम ले रहा हूँ उसका नाम है sarkaririzult.com। गूगल पे जब भी सरकारी रिजल्ट लिखिए लास्ट में .com जरूर लगाइए, क्योंकि इसके नाम से मिलती जुलती बहुत सी नकली और फेक वेबसाइटें आ गई। तो हम सीधा जो इलाहाबाद हाईकोर्ट आर ओ ए आर ओ के फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। बता दिए फॉर्म जो है 17 अगस्त से चल रहा है और 16 सितंबर इसकी अंतिम तिथि यानी कि लास्ट डेट है। फीस की बात करें तो ₹800 और ₹600 फीस है। उम्र 21 से 35 वर्ष है जो कि 1 जुलाई का इससे कैलकुलेट होगी। योग्यता 396 पोस्ट है और योग्यता की बात करें तो इसमें सिंपल बैचलर डिग्री, साथ ही साथ आपके पास ओ लेवल हो या तो CCC हो या कंप्यूटर साइंस में कोई भी डिग्री या डिप्लोमा हो तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर टाइपिंग इंग्लिश मांगी है जो कि मात्र 25 शब्द पर मिनट है। तो ये अलग अलग दिया है, मैं आपको एआरओ का फॉर्म भर के दिखाता हूँ क्योंकि एआरओ में सीट ज़्यादा है। बाकी फॉर्म भरने का जो सिस्टम है वो सबका सेम है। सिलेबस भी उपलब्ध है जो आप एक सिंगल क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं सीधा अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करूँगा देख सकते हैं यहाँ पे एक पेज खुल जाएगा जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। बता दें जो मोबाइल यूज़र है वो भी इसको मोबाइल से फॉर्म भर सकते हैं। सीधा हम यहाँ पे डिक्लेरेशन भी टिक कर देंगे और क्लिक हेयर टू प्रोसीड करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, मैं अपना यहाँ पे नाम डाल देता हूँ। पिता का नाम आपको डालना है, पिता का नाम डाल देता हूँ। मदर नेम डालना है। नेक्स्ट आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आपको अपना जेंडर डालना है। आपको यहाँ पे आईडी प्रूफ देना है। बता दें आईडी प्रूफ में आप अपना पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, डीएल या अदर कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। मैं वोटर आईडी कार्ड नंबर दे देता हूँ। नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका ऑप्शनल है। कंट्री सेलेक्ट कर देनी है, आपको स्टेट डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट डाल देनी है। नेक्स्ट आपको अपना पिन कोड डाल देना है। यहाँ पे आप अपना कोई अल्टरनेटिव नंबर या ईमेल आईडी जो दे सकते हैं, माफ़ कीजिएगा अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर। नीचे आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है, यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है। अगर आपके दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। अगर आपके दोनों एड्रेस अलग अलग है तो आप यहाँ पे जो है चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको जो अपनी जो है फेवरेट जो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन चाहे वो आप इसको जो है लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना एक पासवर्ड बनाना है। बता दें पासवर्ड आपका कम से कम 8 कैरेक्टर और अधिक से अधिक 13 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए। आप सिंपल अपने तरीके से जो यहाँ पे बना सकते हैं पासवर्ड, मैंने यहाँ पे बना दिया है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आपको कैप्चा जो दिख रहा है वो कैप्चा डाल देना है और यहाँ पे सबमिट करके आगे चलना है। तो चलिए सबमिट करते हैं और आगे चलते हैं। जैसे हम आगे बढ़े आप देख सकते हैं फॉर्म का पूरा प्रीव्यू एक बार यहाँ पे खुल के आ चुका है। हम फॉर्म को एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए कि फॉर्म में कोई भी गलती तो नहीं है। अपने नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ सारी जानकारी चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद आपको नीचे चलना है। जैसे ही नीचे आएंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ चीज़ आपको डबल वेरीफिकेशन के लिए दे रहा है। जैसे कि अगर आप नीचे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है इन सब पे आपको टिक करना है। टिक करने का मतलब ये है कि आपने ये सारी चीज़ें जो है आपने क्रॉस चेक कर ली है, क्योंकि इसमें साफ साफ दिया है कि एक बार ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो ये चीज़ें आपकी चेंज नहीं होंगी। क्या क्या चीज़ें चेंज नहीं होंगी, जैसे कि आपका नाम है, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यानी ये सारी चीज़ें जो है चेंज नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों उसको फाइनल सबमिट करते हैं और आगे चलते हैं। जैसे आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे देख सकते हैं आप डैशबोर्ड में इंटर हो चुके हैं। डैशबोर्ड में यहाँ देख सकते हैं अभी हमारा रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हुआ, इसलिए यहाँ पे कंप्लीट दे रहा है। लेकिन अभी 3 स्टेप जो है अभी बचे हुए हैं, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन फीस, यानी ये सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपने इसमें कोई भी चीज़ इनकम्प्लीट रह जाएगी तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो वीडियो को पूरा बने रहिए। अब फॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए आप देख सकते हैं नीचे आपको यहाँ पे बटन दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। इस पर हम क्लिक करते हैं और आगे चलते हैं।
जैसे ही हम आगे बढ़े आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा नाम, पिता का नाम, माता का नाम पहले से रजिस्ट्रेशन पे ले लिया है, लेकिन जो चीज़ें नहीं है उसको आपको भरना है। जैसे कि आपको नेशनलिटी डाल देना है, पूछ रहा है कि आप यूपी के रहने वाले, अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो यस कीजिए, अगर आप यूपी के निवासी नहीं है तो आप एज अ जनरल कैंडिडेट जो है ट्रीट होंगे। यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी दे देनी है, यहाँ पर पूछ रहा है क्या आप वुमेन कैंडिडेट है, तो ये वुमेंस का कुछ ना कुछ वेटेज होगा, तो यहाँ पे इसलिए वुमेंस कैंडिडेट का वेटेज दिया है। फिजिकली हैंडीकैप है, स्पोर्ट्स पर्सन है, एक्स सर्विस मैन है, फ्रीडम फाइटर है, अगर आपका इसमें किसी में भी वेटेज हो तो यहाँ पे यस कीजिए, नहीं है तो सिंपली आप इसको नो करते हुए आगे बढ़ जाइए। तो मैं सब में नो कर देता हूँ। जैसे आप नीचे देखेंगे यहाँ पे अगला ऑप्शन आपका मैरिटल स्टेटस का भी है, आप मैरिड है, अनमैरिड है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देनी है, लेकिन अभी मेरा प्रोसेस वहाँ तक पहुँचा नहीं है, मैं यहाँ अनमैरिड कर देता हूँ। जैसे नीचे आएंगे यहाँ पूछा है कि जो इंग्लिश टाइपिंग दी है 25 वर्ड पर मिनट की, आप कर पाते हैं कि नहीं, बिल्कुल हम यस करते हैं। डाटा प्रोसेसिंग कंप्यूटर ऑपरेशन की नॉलेज है हमको, यहाँ यस कर देते हैं। यहाँ पूछा है कि आपने टाइटल आर्मी का 2 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। अगला ऑप्शन है NCC के B सर्टिफिकेट का, अगर आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। यहाँ पे आपकी कंप्यूटर क्वालिफिकेशन पूछा, कंप्यूटर क्वालिफिकेशन में 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है डिप्लोमा या डिग्री हो आपके पास कंप्यूटर साइंस की, जैसे कि आपका बीटेक होता है CS से, IT से, या आपके पास डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस का, तो वो भी जो है मान्य है। नहीं तो अगर आपके पास ओ लेवल है या तो CCC, CCC एक बहुत ही कॉमन है, जो मेरे ख्याल से लगता है कि इस समय अधिकतर लोगों के पास CCC हो चुका है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पोस्ट पूछ रहा है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपको कंप्यूटर असिस्टेंट भी बनना है तो उसका आवेदन आपको अलग से करना पड़ेगा, सेम वही प्रोसीजर है जो मैं आपको भर के दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे आ गया है ARO और RO, अगर आप दोनों भरेंगे तो आपकी फ़ीस जो है अलग अलग लगेगी, तो यहाँ पर मैं दोनों सिलेक्ट कर देता हूँ। पेपर का मीडियम मैं हिंदी कर देता हूँ। यहाँ पर क्लास 10th का डिटेल्स पूछ रहा है, यानी कि हाई स्कूल आपने जो है कब पास किया है, मैं हाई स्कूल पे क्लिक कर देता हूँ, कब मैंने पास किया है उसका डिटेल डाल देता हूँ, स्ट्रीम डाल देता हूँ, यहाँ पे आपका बोर्ड का नाम डालना है, तो मैं यहाँ पे यूपी बोर्ड को देख लेता हूँ मिल जाए मुझे। जी हाँ, यू और स्पेस लेके पी लिखेंगे तो आपको यूपी बोर्ड जो है मिल जाएगा, अगर आपका कोई और बोर्ड हो तो आप उसको फाइंड कर लीजिएगा, अगर नहीं मिलता है तो उसमें अदर का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। तो सेम प्रोसेस हम बढ़ते जा रहे हैं आगे। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डाल देना है, स्कूल का डालिएगा, इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने पढ़ाई की है, तो मैं जो है यहाँ पे डाल रहा हूँ देख सकते हैं, और यहाँ पे मैंने अपना डाल दिया। यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स डाल देना है कितना नंबर है, और यहाँ आपको कितना नंबर जो है मिला है वो डाल देना है। जैसे ही डालेंगे परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस हम इंटर में करते हैं, सेम वही प्रोसेस में हम क्लास 12th को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। क्लास 12th सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पास आ जाएगा, क्लास 12th आपने कब पास किया है वो डाल देना है आपको, आपने किस स्ट्रीम से पास किया है क्लास 12th को वो डाल देना है, बोर्ड डाल देना है। थोड़ा साइट इनकी थोड़ी स्लो चल रही है तो कोई बात नहीं, अंतिम तिथि का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा, आप सभी से मेरा निवेदन है, क्योंकि अंतिम तिथि में क्या होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की सर्वर पे बहुत ही ज़्यादा लोड रहता है, तो हो सकता होगा सर्वर वगैरह डाउन होता है, तो जिसकी वजह से आपको बहुत तरीके तरीके की समस्याएं आ जाती हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं, जैसे कि आपका पेमेंट फंस जाना, तो ये सब समस्याएं आ सकती हैं। नेक्स्ट आपको ऑप्शन है ग्रेजुएशन का, कि ग्रेजुएशन आप पास है कि नहीं, तो यहाँ पे हम पास कर देते हैं, अपीयरिंग वाले लोग नहीं भर सकते हैं। पूछ रहा है ग्रेजुएशन आपने कब पास किया है, आपका जो कौन से कोर्स किया है, जैसे आपने BTech है, BA है, BArch है, BCom है, सारे कोर्स लगभग उपलब्ध है। मान लीजिए आपका कोर्स नहीं मिलता तो यहाँ पर अदर करके उसको भर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपली अपना BA कर देता हूँ। यहाँ पे पूछ रहा है BA आपने कहाँ से पास किया है, तो ये यूनिवर्सिटी में भी बहुत सी यूनिवर्सिटियों के नाम नहीं है, अगर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं मिलता है तो आप जो है यहाँ पे जो है उसको चेंज कर सकते हैं, अदर करके डाल सकते हैं। यहाँ पे रिजल्ट का आपको परसेंटेज डालना है, कि आपका CGPA में है, कि आपको मार्क्स पता है, अगर आपका CGPA तो CGPA कीजिए, अगर आपका परसेंटेज मोड में है तो परसेंटेज कर दीजिए। तो यहाँ पे हम अपना टोटल नंबर डाल देते हैं, कितना नंबर का था और कितना नंबर हमको मिला है। जैसे डालेंगे परसेंटेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपने इंस्टीट्यूट का नाम और एड्रेस जो है डाल दो में डाल देना है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे PG का डिटेल्स है, ये दोस्तों भरना कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपको PG की डिटेल्स है तो भरिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, एनी अदर कुछ आप देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे पूछा है कि आप इम्प्लाई है, कि आप कोई भी कन्विक्टेड, कोई क्रिमिनल केस वगैरह है, कोई क्रिमिनल कंप्लेंट आपके खिलाफ रजिस्टर्ड तो नहीं है, तो अगर यहाँ पे ऐसा कुछ है आपका
तो आपको यहाँ पे जानकारी उसकी देनी है। अगर नहीं है तो आप सिंपली नो कर दीजिए। नीचे आपको यहाँ पे कैप्चा दिखाई दे रहा है, उस कैप्चा को डालिए और आगे बढ़ जाइए। तो मैं उस कैप्चा को डाल देता हूँ जैसे लिखा है, ये देखिए मैंने डाल दिया, सबमिट करके आगे चलता हूँ। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, आप देख सकते हैं मैं आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि यहाँ पे रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड करके रोक दिया गया। उसका कारण यह है कि यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपके पास पीजी है तो आपको पीजी पे सिलेक्ट करना है, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक किए करना है। तो मुझे ये चीज़ पता थी, लेकिन मैं नॉर्मली लोग उसको छोड़ देते हैं, इसीलिए मैंने भी उसको छोड़ के आपको दिखाया कि आपको अगर इस तरह आप छोड़ के आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको रोक देगा और इसी तरह आपको नॉट एप्लीकेबल क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं दोबारा इस कैप्चा को डालता हूँ और सबमिट करता हूँ। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें दोबारा आ गई हैं जिसको कि आपको क्रॉस चेक करना है कि कहीं फॉर्म में गलती तो नहीं है। जैसे कि आपका नाम, पिता का नाम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, आपकी कोई डिसेबिलिटी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दिए, सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिए क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ये चीज़ें बाद में चेंजेस नहीं होंगी। तो यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और फाइनल सबमिट करना है। अगर आपके फॉर्म में कुछ भी गलती है तो आप एडिट एप्लीकेशन फॉर्म कीजिए। अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो आप फाइनल सबमिट करके आगे बढ़िए। मेरा सब कुछ सही है, मैं फाइनल सबमिट करता हूँ और आगे चलता हूँ। जैसे ही हमने उसको सबमिट किया, आप देख सकते हैं हमारा स्टेज टू भी जो है कंप्लीट हो चुका है। अब यानी कि दो स्टेप बचे हैं, एक बचा है डॉक्यूमेंट अपलोड और एक बचा है एप्लीकेशन फीस पेमेंट। तो चलिए दोस्तों अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं। आपको बता दें यहाँ पे आपको क्या क्या अपलोड करना है। आपको एक सबसे पहले फोटो अपलोड करनी है, दूसरा आपको लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन करना है, तीसरा आपको सिग्नेचर करना है, चौथा आपके पास कोई इम्प्लाई सर्टिफिकेट है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, और लास्ट में आपको टेंथ का सर्टिफिकेट करना है। बता दें जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, इसमें जो आपको क्लास टेंथ का सर्टिफिकेट है वो आपको पीडीएफ में अपलोड करना है जिसकी साइज 50 से 300 KB के बीच होनी चाहिए। फोटो आपको नॉर्मल अपलोड करनी है जेपीजी, और लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन भी जेपीजी, सिग्नेचर भी जेपीजी है और जिसका साइज़ जो 4 से 30 KB के बीच है। तो बता दें आपको कि अगर आपके पास इस साइज़ के डॉक्यूमेंट या फोटो नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको खोलना है rozgarresult.com। जैसे ही rozgarresult.com खोलेंगे आपको यहाँ पे देख सकते हैं रिसाइज और फोटो सिग्नेचर का ऑप्शन मिल जाएगा। आप सिंपली वहाँ से जाके फोटो को ऑनलाइन रिसाइज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर रिसाइज कर रखा है, तो मैं चलिए इसको फटाफट अपलोड करता हूँ और आगे चलता हूँ। जैसे आप अपनी फोटो को लगाएंगे यहाँ पे देख सकते हैं क्रॉप करने का ऑप्शन आया है, अगर आप चाहें तो उसको क्रॉप भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रहा है अपलोड ओरिजिनल, आप अपलोड ओरिजिनल पे कर देंगे तो सीधी सीधी फोटो आपकी अपलोड हो जाएगी। सेम वही प्रोसेस आपको करना है। आपको बता दें यहाँ पे जैसे आप इसको यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे तो जैसे यहाँ पे आपका प्रीव्यू आ जाएगा आपको यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना पड़ेगा। ये देखिए अपलोड होते ही मान यहाँ पे अपलोड का मैसेज दिख जाएगा और दोबारा ओके करना है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ सारी डॉक्यूमेंट्स हमारे अपलोड हो चुके हैं, सब पे जो है अपलोडेड डॉक्यूमेंट आ चुका है। अब हम नीचे चलते हैं, नीचे आप देखेंगे यहाँ पे आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है, सेम वही कैप्चा जो है आपको डाल देना है। मैं कैप्चा डालता हूँ, सबमिट करके आगे चलता हूँ। जैसे ही हम आगे बढ़े आप देख सकते हैं हमारा यानी लास्ट स्टेप बचा है और यहाँ पे फीस आप देख सकते हैं 1600 आ रही है। तो फीस 1600 क्यों आ रही है ये मैंने आपको बताया क्योंकि मैंने दोनों ही पोस्ट को सिलेक्ट किया है। लेकिन एक चीज़ बता दें, अगर आप सोचते हैं कि अभी मैं आर ओ डाल देता हूँ, मेरे पास पेमेंट कम है, मैं कल जो है ए आर ओ को और डाल दूंगा, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। आप कंप्यूटर असिस्टेंट बाद में डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप आर ओ ए आर ओ को अगर एक साथ डालना चाहेंगे कि मैं आज आर ओ डाल दूँ और कल ए आर ओ डाल दूँ, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। तो इसलिए बिल्कुल अगर आपको दोनों डालने की इच्छा है तो एक बार में ही डालिएगा, अलग अलग नहीं डालिएगा, नहीं तो आपका आवेदन जो है रिजेक्ट भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे क्लिक करते हैं पे एग्जामिनेशन फीस पे। ये देख सकते हैं पेमेंट का ऑप्शन खुल चुका है। आपको बता दें इसका पेमेंट आप अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अदर बैंक की नेट बैंकिंग से कर सकते हैं जिसमें आपका 5.90 रुपये एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। साथ ही साथ आप इसका पेमेंट किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद ये फॉर्म डन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं इसका पेमेंट करता हूँ और दिखाता हूँ पेमेंट करने के बाद कैसा दिखता है इसका इंटरफेस। दोस्तों देख सकते हैं मैंने इसका पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे चारों स्टेप जो है ग्रीन हो गए। यही चीज़ आपको चेक करनी है फॉर्म भरने के बाद, ये चारों स्टेप आपके ग्रीन होते हैं कि नहीं। और उसके बाद साथ ही साथ आप यहाँ से नीचे डाउनलोड कंफर्मेशन पेज पे क्लिक करके अपना प्रिंटआउट निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो से हेल्प मिलेगी। अगर हेल्प मिले तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, टैग कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।